प्रीति दो जवान लड़कियों की माँ है। प्रीति को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व है क्योंकि वे दोनों स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती हैं। प्रीति यह अच्छे से जानती है कि अपने परिवार को सुखी और अच्छा रखने के लिए स्वच्छता और साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। वह बड़ी मेहनत से अपनी बेटियों को साफ सफाई के बारे में बताती है। हमारे देश में बहुत से लोग अपने हाथ साबुन से नहीं धोते हैं। गंदे हाथों में कीटाणु यानी छोटे छोटे कीड़े छुप कर बैठ जाते हैं जो हमें आँख से नहीं दिखते हैं। यही कीड़े आगे जाकर कई खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। खासकर शौच के बाद कुछ लोग जिसे भाटा भी कहते हैं, खाना खाने से पहले और खाना बनाने या खिलाने से पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। अक्सर छोटे बच्चे बाहर खुले मैदान में शौच यानी भाटा कर लेते हैं। ऐसा करने से कई प्रकार के कीड़े उनके शरीर में घुस जाते हैं जो झाड़ा यानी दस्त और उल्टी होने वाली बीमारियां फैलाते हैं। यदि झाड़ा और उल्टी का समय पर इलाज ना किया जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। प्रीति ने अपनी बेटियों को बचपन से ही घर के अंदर बने शौचालय में जाने की आदत डाली है और भाटा के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोना सिखाया है। उसकी बेटियां खाना खाने से पहले भी हमेशा हाथ धोती हैं। साबुन से हाथ धोने से हाथों में छुपे बीमारी फैलाने वाले कीड़े धुल जाते हैं। यह आसान सी आदत आप अपने बच्चे को भी बचपन से सिखा सकती हैं। इसे करने से आपके बच्चे ठीक रहेंगे और जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अक्सर देखा गया है कि मासिक धर्म या माहवारी के समय महिलाओं को अपने खुद की साफ सफाई रखने में कुछ परेशानी होती है। महिलाओं में माहवारी होना बिल्कुल प्राकृतिक और आम सी बात है, लेकिन बहुत सी लड़कियां महीना होने के समय कुछ डर जाती हैं। घर या स्कूल के अंदर शौचालय ना होने के कारण उन्हें महीनों के दौरान कपड़ा बदलने में मुश्किल होती है। इसी कारण वे कई बार स्कूल जाना भी बंद कर देती हैं। प्रीति ने अपनी बेटियों को समझाया कि महीनों के दौरान उन्हें साफ और सूखे कपड़े या फिर सैनिटरी नैपकिन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े या नैपकिन को 2 से 6 घंटों के अंदर बदल लेना चाहिए। उसने उन्हें सिखाया कि महीनों के दौरान गंदे कपड़े या नैपकिन को सही तरीके से कचरे में फेंककर साबुन से हाथ धो लेने चाहिए। महीनों के दौरान लड़कियां आराम से नहा धो सकती हैं। नहाने पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। प्रीति जानती है कि ऐसा करने से शरीर की सफाई रहेगी और अंदर किसी प्रकार की समस्या या इन्फेक्शन भी नहीं होगा। माहवारी में स्वच्छता का ध्यान ना रखने से बच्चेदानी में समस्या हो सकती है, जिससे पीठ या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन या समस्या हो जाए तो आगे जाकर यह बच्चा ना होने का कारण भी बन सकता है। हर माँ को अपनी बेटी को महीने के समय स्वच्छता और साफ सफाई रखने के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। इसके अलावा उन्हें कोशिश करके घर में शौचालय की सुविधा और साफ कपड़े या सैनिटरी नैपकिन भी बेटियों को देने चाहिए। इन सब चीज़ों से माताएं और उनकी जवान बेटियां महीनों के समय स्वच्छ और साफ रह सकती हैं, जो उनकी सेहत, विकास और शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और उनकी खुशी के लिए भी।